नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। ईरान में फंसे 150 भारतीय आज लाए जाएंगे जैसलमेर। मिलिट्री स्टेशन पर आइसोलेशन वार्ड तैयार। ओसिया में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान एक युवक हुआ धोखाधड़ी का शिकार। कवाई कस्बे में अतिक्रमण का खेल चरम सीमा पर। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की महामारी घोषित होने के बीच ईरान से निकालकर लाए जा रहे करीब 350 भारतीयों को जैसलमेर में भारतीय सेना द्वारा तैयार विशेष पृथक केंद्र में रखा जाएगा। सेना की प्रवक्ता कर्नल सौमित घोष ने बताया कि ईरान से लाए जाने वाले करीब 120 भारतीयों का पहला दल शुक्रवार को जैसलमेर पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि ईरान से लगभग 120 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान 13 मार्च को जैसलमेर पहुंच रहा है। उन्हें जैसलमेर में सेना द्वारा तैयार पृथक केंद्र में रखा जाएगा। इन भारतीयों की जांच हवाई अड्डे पर की जाएगी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन इन्हें विशेष पृथक केंद्र में रखेगा। प्रवक्ता ने बताया कि ईरान से लगभग 250 लोगों का एक और दल 15 मार्च को जैसलमेर पहुंचेगा। उल्लेखनीय है कि सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्रशासन की मदद के लिए राजस्थान में जैसलमेर के साथ साथ जोधपुर व सूरतगढ़ में भी विशेष पृथक केंद्र स्थापित किए हैं। ईरान में कोरोना वायरस के कारण 75 और लोगों की मौत होने से इस बीमारी की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 429 हो गई और 10,000 से अधिक लोग इससे संक्रमित भी है। ईरान ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। देश में पहले माह इस बीमारी से पहली मौत की घोषणा के बाद पिछले 3 हफ्तों में यह किसी एक दिन में हुई सर्वाधिक मौत है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता कियानोश जहांपोर ने टेलीविजन पर प्रसारित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 24 घंटों में 1,075 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जिसके कारण संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 10,075 हो गई। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मृत्यु की गुरुवार को पुष्टि हुई। वहीं देश में फिलहाल 74 लोग इस वायरस से संक्रमित है और इसके प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सहित कुछ अन्य जगहों पर स्कूल, कॉलेज व सिनेमाघर बंद करने के आपात उपाय भी किए गए हैं। कर्नाटक का बुजुर्ग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक के कुलबुर्गी के रहने वाले 76 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत कोरोना वायरस संक्रमण से होने की पुष्टि भी की है। व्यक्ति के पहले वायरस से संक्रमित होने का संदेह था। उसकी मृत्यु मंगलवार को रात हुई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्री राममुलु ने बताया कि हाल ही में सऊदी अरब से लौटे व्यक्ति के नमूनों की जाँच से उसके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई है। वैसे आज के व्यस्त समय में लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए वो बाजार से सामान न खरीदकर अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर ऑनलाइन सामान खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सामान खरीदने में न केवल आसानी होती बल्कि उन्हें घरों से बिना बाहर निकले भी घर बैठे सामान मिल जाता है। इतना ही नहीं बल्कि कॉमर्स कंपनियाँ ग्राहकों को अपने और लुभाने के लिए, आकर्षक करने के लिए ऑफर और फास्ट डिलीवरी की सुविधा भी देती है, जिससे लोग सस्ता व जल्दी सामान पाने के चक्कर में इन कंपनियों के झांसों में आ जाते हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान धोखाधड़ी के मामले का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जोधपुर के ओसिया में भी देखने को मिला। ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राहक मंगवाते कुछ सामान हैं और पार्सल में कुछ और ही निकलता है। इसी कड़ी में जोधपुर के ओसिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। थानाधिकारी बाबूराम डेलू ने बताया कि पीड़ित भियाराम प्रजापत हाल निवासी ओसिया ने थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसे फोटोग्राफी के लिए कैनन कंपनी के कैमरे की जरूरत थी। इसके लिए मैंने कस्बे के स्थित एयू स्माइल फाइनेंस बैंक से संपर्क किया तो एयू स्माइल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी सुमेर व बैंक मैनेजर राजू सोनी ने कहा कि आपको जो कैनन का नया कैमरा चाहिए वह हम अमेजन पर आवेदन कर फाइनेंस पर उपलब्ध करवा देंगे, जिसकी कीमत 86,990 रुपये बताई। बैंक अधिकारियों के कहे अनुसार उसने डाउन पेमेंट 20,000 रुपये एयू स्माइल फाइनेंस बैंक के खाते में 20 जनवरी को जमा करवा दिया और बाकी 9 माह की किस्त में जमा करवाने का फाइनेंस भी हुआ। इसके लिए कैंसिल चेक भी जमानत के तौर पर लिया गया। कैनन के कैमरे के लिए बैंक ने अमेजन कंपनी में आवेदन किया। इसके बाद में कोरियर द्वारा एक पार्सल कार्टून में आया। जब व्यक्ति ने पार्सल कार्टून को खोला
तो उस कार्टून में 8 फोन माइक्रोमैक्स कंपनी के जो कि पुराने टूटे हुए क्षतिग्रस्त निकले, जिसका मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। जब मैंने इसकी शिकायत एयू स्माइल फाइनेंस बैंक ओसिया के मैनेजर से की तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कैमरे के बिल पर अंकित फोन नंबर पर फोन किया तो वो सभी फोन नंबर बंद आए। वहीं आखिरकार पीड़ित ने ओसिया पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाकर एयू स्माइल फाइनेंस बैंक से फाइनेंस रद्द करवाकर अदेय प्रमाण तथा डाउन पेमेंट के रूप में भुगतान किए गए 20,000 रुपये पुनः दिलवाने सहित दोषी बैंक अधिकारियों व अमेजन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर जांच भी शुरू कर दी और मामले की जांच एएसआई रामसुख कर रहे हैं। मंगवाने हेतु एयू बैंक में आवेदन किया था। कैमरे की कीमत उन्होंने 86,000 रुपये बताई थी, डाउन पेमेंट 20,000 रुपये उन्होंने जमा करवा लिया। आवेदन करने के बाद बैंक ने उनसे अजोन कंपनी से कैमरा मंगवाया था ऑनलाइन, जो डुप्लीकेट उसमें कैमरा और मोबाइल टूटे फूटे प्राप्त हुए, जिसकी शिकायत बिहाराम जी ने अरे बैंक वालों को किया, जिसमें बैंक वालों ने कोई विशेष सुनवाई नहीं की। तब उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाने पर पुलिस ने उसको बैंक ने ये बताया तो उन्होंने कहा मैंने लोन कर दिया है और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि उसका वापस लोन ये पैसे या कैमरा प्राप्त। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से, जहां बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति भादरा नोहर की तरफ से गुरुवार को उप तहसील कार्यालय रामगढ़ का घेराव कर चक्का जाम किया गया। शाम को नोहर एसडीएम श्वेता कोचर व जोधपुर विद्युत विवरण निगम नोहर अधिकारी अभियंता रिचपाल चारण ने आंदोलनकारी उपभोक्ताओं से वार्ता शुरू की। आंदोलनकारियों की मांग है कि उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व खराब बिजली मीटर बदलने के स्थायी सेवा शुल्क चार्ज लेना बंद करने की मांग को लेकर गठित संघर्ष समिति पिछले काफी समय से आंदोलन को गांव-गांव में पहुंचाने में लगी है। गांव में विभाग के कर्मचारियों को बिजली मीटर की रीडिंग नहीं लेने दी जा रही और उप तहसील रामगढ़ कार्यालय में प्रशासन व संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं में वार्ता का भी दौर जारी है। तो अब खबर जैसलमेर से, जहां भणियाणा में एसडीएम दफ्तर में एक युवक ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने का प्रयास किया। युवक ने बताया कि मेरी जमीन है जो दूसरे ने कब्जा कर रखा है, जिस पर एसडीएम साहब को कई बार लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन अधिकारी सही तरीके से जांच नहीं करने पर कार्रवाई न होने से आहत था और ये कदम उठाना पड़ा। एसडीएम कार्यालय के बाहर युवक को इस हाल में देखकर वहां हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में एसडीएम साहब व अन्य कर्मचारियों ने उसे पकड़कर माचिस छीना और उसे बचाया। भणियाणा क्षेत्र के पीड़ित अभय सिंह का कहना है कि जमीन के विवाद को लेकर लंबे समय से परेशान था और इस बारे में कई बार शिकायत भी दे चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हुए उन्होंने बताया कि फलसूंड के नायब तहसीलदार भ्रष्ट है और तहसीलदार रिश्वत लेते एक पक्ष की जांच करते हैं, आरोपियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे। वहीं पीड़ित युवक का कहना है कि इस मामले में पिछले 3 वर्षों से राजस्थान संपर्क पर भी शिकायत कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोपियों पर कार्रवाई न करने से वह आहत था और गुरुवार को करीब 12 बजे वो केरोसिन से भरा डिब्बा लेकर एसडीएम दफ्तर पहुंचा। वह एसडीएम दफ्तर के अंदर अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या की भी कोशिश की, लेकिन इस दौरान एसडीएम व अन्य कर्मियों ने उसे रोक लिया और मौके पर पुलिस को सूचना भी दे दी। होली का पर्व स्नेह मिलन प्रेम व भाईचारे के प्रतीक के साथ साथ इस पर्व पर एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हैं, लेकिन धार्मिक सद्भावना से ओतप्रोत जोधपुर जिले के नजदीक स्थित सालेड़ी गांव में वर्षों से एक अनूठी परंपरा चली आ रही है। इस गांव में होली के दूसरे दिन दुल्हंडी पर पक्षियों के लिए चुग्गे की व्यवस्था गाँव के किसी एक भामाशाह द्वारा बोली लगाकर की जाती है। सालों से चली आ रही इस परंपरा में होली दहन के पश्चात धुलंडी के दिन गांव के 36 कौम के लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। इसी समय ही पक्षियों के चुग्गे के लिए भी बोली लगाई जाती है और जो व्यक्ति सबसे बड़ी बोली लगाता है उसे गांव की आन बान और शान का प्रतीक नारियल दिया जाता है, जिसे बोली लगाने वाला सहर्ष स्वीकार भी करता है। वर्ष प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी 135 क्विंटल अनाज की बोली सज्जन कुमार से सोनी द्वारा लगाई गई और आने वाली होली तक सज्जन कुमार सोनी
135 क्विंटल अनाज को गांव के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पक्षियों के चुग्गे के लिए डालेंगे और उसका हिसाब अगली होली पर दिया जाएगा। अगली होली पर फिर से एक नई बोली लगाई जाएगी। खबर 12 के कवाई कस्बे से, इन दिनों अतिक्रमण का खेल चरम सीमा पर है। पिछले करीब एक माह से कस्बे में जगह जगह लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर जोर शोर से अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसे में वर्तमान में सालपुरा क्षेत्र में 33 केवी जीएसएस सब स्टेशन विद्युत विभाग की भूमि पर अतिक्रमणियों द्वारा अतिक्रमण शुरू कर दिया गया है। हालांकि विभाग की इस भूमि पर पहले से भी अतिक्रमण किया हुआ है। वर्तमान में विभाग द्वारा कुछ दिनों पहले विभाग की भूमि को चिन्हित कर बाउंड्री का कार्य शुरू कर दिया गया था। इस दौरान बीती रात्रि को अतिक्रमणियों ने जोर शोर से अतिक्रमण कर एक भूखंड का फाउंडेशन तैयार कर दिया, जिस पर सुबह विभाग के सहायक अभियंता विद्युत विभाग अटरू ग्रामीण इंद्रपाल सिंह, सहायक अभियंता सिविल अमित लाल, कनिष्ठ अभियंता सिविल किशोर सुवालका सहित अधिकारियों ने यहां पर पहुंचकर रात्रि के दौरान हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त करवाने की तैयारी कर ली थी। इस दौरान वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया और विद्युत विभाग के परिसर में अन्य काम के लिए चल रही जेसीबी मशीनों को भूखंड के नजदीक भी बुलवा लिया। उसके उपरांत अधिकारी थाने में सूचना देने के लिए निकल गए। करीब घंटे भर बाद पुलिस के दो जवान सहित वापस पहुंचे और अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को पाबंद करने की बात कही। वह विभाग के किए गए भूखंडों को ध्वस्त करने की बात कहकर चले गए। उसके उपरांत विद्युत विभाग की भूमि पर स्थित जलदाय विभाग की पानी की टंकी को लेकर भी जलदाय विभाग के अधिकारियों व विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। वर्ष 2007 में विद्युत विभाग की जमीन पर ही यहां पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया था। हालांकि जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि नई ग्राम पंचायत में 100x100 वर्ग फीट का पट्टा दिया हुआ है, जिस भूमि पर उनके विभाग ने टंकी बनवाई थी। वर्तमान में विद्युत विभाग वाले परिसर की बाउंड्री वाल का कार्य करने जा रहा है। पहले तो जो है पत्थर बाटे डाल दिए थे, कुछ एएन सिविल ने चिन्हित करी थी जमीन, मार्किंग करी थी थोड़ी यहाँ, क्योंकि इधर पास में जो है कंट्रोल रूम वगैरह और दूसरे एएन ऑफिस के बनने थे जी। लेकिन दूसरी तरफ जो है पता लगा रात को जो है किसी ने ट्रैक्टर से पत्थर बाटे डाल दिए। फिर दो दिन पहले तो हमने जैन साहब ने थाने में सूचना दी थी इसकी, लेकिन अभी जो है कल रात को फिर पता लगा कि किसी ने चुनाई करनी चालू कर दी। कोई बंजारे लेबर वेबर आके चमन कादरी बताया कोई नाम, रात्रि के दौरान 3-4 बजे जी, सुबह सब भाग गए जी। तो इसके लिए हमने अब जो है उप तहसीलदार साहब को भी और थाने में भी रिपोर्ट करी है। कितनी जमीन है साहब ये विवाद की आपने? 2.42 हेक्टर जमीन है जी, जो कि एएन सिविल है ये, इन्होंने बताई है जी। उस हिसाब से जो भी नियमानुसार अब कार्रवाई होगी पुलिस में दी है, आके उच्च अधिकारी को भी बता रहे, अवगत करा रहे हम सिचुएशन का जी, ताकि जो है अतिक्रमण ना हो सके और जीएसएस की बाउंड्री बन सके। साहब इस बाउंड्री से लगे हुए जो निवासी है उनका कहना है कि विभाग में आने के लिए भी कोई रास्ता सुलभ नहीं है, अतिक्रमणियों द्वारा रास्ते पे भी अतिक्रमण कर लिया गया। इसी में इसीलिए तो जो है कल जो है अपने पटवारी जी तहसीलदार साहब ने कहा है कि कल वो जो है पैमाइश बता देंगे कि भाई यहाँ जो कोई अगर बाउंड्री ये कॉलोनिया है उसकी कोई अगर रास्ते या कुछ वो जो है तो वो हमको चिन्हित कर देंगे, ताकि उनको छोड़ और फिर पूरी बाउंड्री। आपका शुभ नाम साहब? इंद्रपाल सिंह, मैं सहायक अभियंता हूँ अटरू ग्रामीण। क्यों इकट्ठे हुए हैं या क्या हो गया, क्या मामला है, किसे इकट्ठे हुए? अतिक्रमण का चक्कर में क्या, या तो फिर सबका मकान हट है या फिर कोई न हट है, क्या बात हुई है? काई की भूमि है ये, कौन सी बात की है? विद्युत विभाग की। तो यहाँ क्या अतिक्रमण हो रहा है? अतिक्रमण हो रहा है। तो विभाग का क्या दस्ता है क्या आज? नहीं, विस्तार का जो आईएन साहब आए थे उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, जान के देख के वापस निकल गए। तो अच्छा, कितने लंबे समय से चलता रहा अतिक्रमण? अतिक्रमण तो खबर सिरोही से, जहां जवाल कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र में सरपंच विक्रम राणा की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन रखा गया, जिसकी सूचना बुधवार शाम को भोंपू से पूरे गांव में की गई। नवगठित ग्राम पंचायत की पहली बार ग्राम सभा के आयोजन की सूचना पर
ग्रामीण बड़े उत्साह के साथ अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। वह एक दो अधिकारियों के सिवा ना तो जलदाय विभाग, न चिकित्सा विभाग, न राजस्व विभाग, न पशु चिकित्सा विभाग, न विद्युत विभाग के अधिकारी नजर आए, जिसकी सूचना का अभाव हो या अधिकारियों की ग्राम सभा की उदासीनता के चलते अपनी समस्याओं को लेकर आए ग्रामीणों के हाथ निराशा हाथ लगी। ग्राम सभा में खासकर जलदाय विभाग द्वारा जलापूर्ति को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी नजर आ रही थी। जहां एक ओर गर्मी ने दस्तक दी तो वहीं जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते महिलाओं ने ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच से जल्द गांव में जलापूर्ति ठीक करने की गुहार भी लगाई। समय रहते अगर जलदाय विभागों को कुंभकर्ण की नींद से जाकर गांव में जलापूर्ति पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में पीने के पानी को लेकर ग्रामीणों को भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ग्राम सभा में पंचायत प्रचार अधिकारी पुखराज पुरोहित, नरेगा अधिकारी विशाल दवे, पूर्व सरपंच ठाकुर रामवीर सिंह, ग्राम पंचायत के उप सरपंच व वार्ड पंचों के साथ दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। तो खबर भीलवाड़ा से, जहां नगर परिषद सभागार में बुधवार को राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति मंजू चेचानी व आयुक्त नारायण लाल मीणा, प्रदेश संगठन मंत्री हरनायण माली, अध्यक्ष शिव कुमार गारू, पूर्व प्रदेश उप अध्यक्ष राजेंद्र सारस्वत, पूर्व स्थानीय अध्यक्ष महेश शर्मा, नंदकिशोर पारीक, भेरूलाल जोशी, गोविंद वर्मा, बसंतीलाल मेहता, सज्जन सिंह चौहान, रामपाल गोरण, राजेश मल्होत्रा, विजय लोडा मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सभापति चिंचाणी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके की। वह पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सारस्वत ने कहा कि राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन भीलवाड़ा शाखा के अध्यक्ष शिव कुमार गारू सहित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। नगरपालिका कार्यकारिणी अध्यक्ष शिव कुमार गारू ने कहा कि हमारा इस कार्यकारिणी गठन का मुख्य उद्देश्य सभी कर्मचारियों को एक मंच पर लाना है, जिससे कि हम आने वाले समय में अच्छा कार्य और कर्मचारियों के हितार्थ में फैसला ले सकें। राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन की स्थानीय इकाई भीलवाड़ा का कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कार्यकारिणी में एक संरक्षक के रूप में मार्गदर्शक मंडल है हमारा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, खेल मंत्री के रूप में, सांस्कृतिक मंत्री के रूप में और संगठन सलाहकार, संगठन मंत्री के रूप में और सदस्यों के रूप में एक अच्छी कार्यकारिणी हमने देने का प्रयास किया है। प्रयास ये किया है कि नगर परिषद भीलवाड़ा के सभी अनुभागों से हमने कर्मचारियों को साथ में लिया है। हमारा आगे प्रयास ये है कि संगठन की जो गतिविधियाँ पिछले कुछ काल में सुसुप्त हुई है, हम व्यक्ति व्यक्ति हर कर्मचारी को जगाकर इस प्रकार का संगठन का भाव उनमें पैदा करें ताकि समय समय पर कर्मचारियों के हितों के ऊपर कोई कुठाराघात हो तो सभी कर्मचारी एकात्म भाव के साथ में संगठित होकर संघर्ष। नए वित्तीय वर्ष के लिए जोधपुर जिले में शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए 18,034 आवेदकों को लॉटरी आवंटित की गई। जोधपुर के टाउन हॉल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीमा कविया ने लॉटरी की शुरुआत की। लॉटरी प्रक्रिया में एसडीएम पुलिस, एडीसीपी डॉक्टर तेजपाल, आबकारी अधिकारी उदयभान चारण सहित अधिकारी उपस्थित रहे। लॉटरी प्रक्रिया में सैकड़ों आवेदक मौजूद रहे। वहीं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए व आवेदकों के लिए लॉटरी प्रक्रिया एलईडी स्क्रीन पर बाहर भी दिखाई गई। आवेदकों के लिए टाउन हॉल में शामियाने व कुर्सियां लगाकर विशेष व्यवस्था भी की गई। प्रथम चरण में जोन्स 1 से 6 तक भारत निर्माता विदेशी मदिरा व बियर की 66 खुदरा दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया हुई। इसके बाद जोधपुर महानगर क्षेत्र की देशी मदिरा व कंपोजिट समूह के लिए लॉटरी निकाली गई। तत्पश्चात नगरपालिका फलोदी, बिलाड़ा, पिपाड़ शहर क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की 8 दुकानों व ग्रामीण क्षेत्र में देशी मदिरा कंपोजिट दुकानों के आवेदकों के लिए लॉटरी निकाली गई। जिले में देशी शराब के कंपोजिट सहित 238 समूह हैं। वहीं भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की जोधपुर शहर में 66 समूह हैं। बिलाड़ा व फलोदी में 3-3, पिपाड़ में 2 समूह हैं। जोधपुर में 23,000 से अधिक आवेदन जमा हुए, इनमें से 18,034 आवेदन वेरीफाइड हुए।
तो खबर पाली के देसुरी से, जहां उपकंड पर दादाई गांव में सायरबाई लक्ष्मी चंद जी पुनमिया के सौजन्य से मारवाड़ एकता परिषद बजरंग दल व श्री हिंगलाज मंडल के संयुक्त तत्वाधान में पुराने स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 53 लोगों ने रक्तदान किया। बजरंग दल के उदय सिंह चंपावत ने कहा कि मानव सेवा सर्वोपरि है, यह रक्त गरीब लोगों के लिए काम आता है और मारवाड़ एकता परिषद के नरेंद्र परमार के सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर समाज सेवी व सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वीराज सिंह, भाजपा नेता अमरपुर गोस्वामी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।